पुल को नष्ट कर देते हैं। तो बैग को ये बात पता होती है, तो बैग बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और इन सब बातों से बैग बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसीलिए वो हॉरिस को अब हॉरिस की आँख नहीं लौटाता है, परंतु हॉरिस अब इतने टाइम में बैग से अपनी आँख छुड़ा लेता है, और एक आँख मिलने के बाद बैग से वो दूसरी आँख के बारे में बोलता है। तो बैग बोलता है कि मेरे पास एक ही आँख थी और दूसरी आँख सेठ के पैरामिड में है, और पैरामिड के अंदर जाने का नक्शा मुझे पता है, और मैं इसके पहले भी पैरामिड के अंदर जा चुका हूँ। तो ये सब सुनकर हॉरिस बैग को एक बात बताता है कि तुम्हारी लवर की सोल हमेशा के लिए नहीं गई है, अभी उसकी सोल को आगे कई रास्तों से गुजरना है, जिसमें उसे अभी कुछ दिनों का टाइम लग जाएगा, और यदि मेरी दूसरी आँख मुझे मिल गई तो मेरी सारी पावर वापस आ जाएगी, फिर मैं गॉड बन जाऊँगा, जिससे मैं तुम्हारी लवर की सोल वापस लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पर दोनों ये शर्त मान जाते हैं कि बैग हॉरिस को उसकी दूसरी आँख ला कर देगा, फिर वो दोनों लोग बैग की लवर की बॉडी को सुरक्षित रख देते हैं, और हॉरिस सेठ से इन सब चीज़ों का बदला लेना चाहता है। फिर हॉरिस और बैग मिशन पर निकल जाते हैं। इसके बाद मूवी पर दिखाया जाता है कि सेठ को पता चल गया है कि हॉरिस को उसकी आँख मिल गई है। इस सब के बाद सेठ हॉरिस और बैग को मारने का ऐलान कर देता है और अपनी सेना को भेज देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉरिस बैग के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। बैग हॉरिस से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हॉरिस बताता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ और उनसे हेल्प मांगने, और हॉरिस पहाड़ पर बैठकर ग्रैंडफादर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करते हुए हॉरिस गॉड फॉर्म पे आ जाता है और उड़ते हुए बैग को लेकर ग्रैंडफादर के पास चले जाता है। फिर यहाँ पर हॉरिस के ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं, जो कि गॉड ऑफ सन है, जिनका नाम रॉ है। फिर हॉरिस के ग्रैंडफादर अपने गॉड फॉर्म पर आते हैं और अपना भाला उठाकर अंधेरे के क्रिएचर को मारने लगते हैं, जो कि सब कुछ नष्ट कर सकता था। गॉड ऑफ सन क्रिएचर से फाइट करने लगते हैं और फाइट करते हुए अंधेरे के क्रिएचर को वहां से भगा देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गॉड ऑफ सन क्रिएचर से हमारी रक्षा करते हैं, और हॉरिस यहाँ पर आकर अपने ग्रैंडफादर को सारी बात बताता है, और सेठ के बारे में भी सारी बात बताते हैं कि उन्होंने मेरे फादर को मार दिया है और मेरी दोनों आँख निकाल लिया है और मिस्र पर कब्जा कर लिया है और गुलामी का दौर चालू कर दिया है। फिर हॉरिस वहाँ का पानी ले जाने की बात करता है, जो कि मैजिकल वाटर होता है, और इस पानी के यूज़ से डेजर्ट की आग को शांत किया जा सकता है, जिससे कि सेठ की पावर कम हो जाए। तो हॉरिस के ग्रैंडफादर यानी कि गॉड ऑफ सन उसे मैजिकल वाटर ले जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। उसके बाद बैग को लेकर हॉरिस दुनिया में वापस आ जाता है, और हॉरिस का गॉड फॉर्म भी एंड हो जाता है और हॉरिस इंसानी रूप पर आ जाता है। लेकिन तभी सेठ की सेना हॉरिस और बैग पर हमला कर देती है और बैग को पहाड़ से उठाकर नदी में फेंक देती है। उसके पीछे हॉरिस भी नीचे कूद जाता है और नीचे आकर बैग और हॉरिस दोनों जिंदा बच जाते हैं। हॉरिस बैग को बताता है कि सेठ अब और भी ज़्यादा डेंजर सेना भेजेगा। फिर सेठ गॉड ऑफ लक के पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर चलो, क्योंकि गॉड ऑफ लक उस दुनिया की सीनियर है। परंतु गॉड ऑफ लक सेठ को मना कर देती है और वहाँ से अपने ब्रेसलेट की सहायता से भाग जाती है, क्योंकि गॉड ऑफ लक को पता चल गया था कि हॉरिस को उसकी आँख मिल चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेठ अपनी दो सोल्जर को बड़े सांपों में बिठालकर भेजता है हॉरिस और बैग को मारने के लिए, जहाँ हॉरिस और बैग की दो स्नैक वाले सोल्जरों के साथ आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, और हॉरिस एक स्नैक वाले सोल्जर को स्नैक के साथ पहाड़ी से ही गिरा देता है। फिर यहाँ गॉड ऑफ लक की देवी आती है, जो दूसरे सांप को अपना हुक्म देकर मार देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये तीनों बुद्धि के देवता थॉट के पास जा रहे हैं, क्योंकि सेठ के पैरामिड की रक्षा एक बहुत बड़ा सिंह दानव करता है, जो कि पैरामिड में आने जाने वाले लोगों से पहेली पूछता था, और पहेली का आंसर ना देने पर सिंह दानव उन्हें मार देता था, और पहेली का आंसर देने की काबिलियत सिर्फ थॉट के पास थी, जो कि बुद्धि के देवता हैं। फिर हॉरिस बुद्धि के देवता से बात करता है, परंतु थॉट पैरामिड में जाने से मना कर देता है। फिर बैग बुद्धि के देवता को बोलता है कि थॉट तुम मत जाओ, मैं खुद वहां जाऊंगा और बोलूंगा सिंह दानव से कि पहेली का आंसर देने से बुद्धि के देवता भी डरते हैं। तो इतना सुनकर थॉट को बहुत बुरा लगता है, जिससे कि थॉट भी बैग हॉरिस और लव की देवी के साथ चले जाता है। रास्ते में लव की देवी हॉरिस को बोलती है कि तुम्हें बैग को सच बता देना चाहिए कि तुम उसके लवर को जिंदा नहीं कर सकते हो, परंतु हॉरिस बोलता है कि मैं बैग को सच बताऊंगा तो बैग मदद नहीं करेगा पैरामिड के अंदर जाने में। फिर कुछ समय में सब लोग पैरामिड में पहुंच जाते हैं और बैग पैरामिड के अंदर एक दरवाजे की सहायता से चले जाता है और रेत की सीढ़ी से मैजिकल दरवाजा खोल देता है, जिससे कि वहां का सारा तिलिस्म एंड हो जाता है। इसके बाद ये लोग सिंह दानव के पास पहुँचते हैं और सिंह दानव पहेली का आंसर पूछता है। थॉट पहेली का आंसर देता है, लेकिन थॉट का पहेली का आंसर गलत था,
जिससे कि सिंह दानव इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। थॉट कई बार आंसर गलत देता है लेकिन उसका फोर्थ टाइम आंसर सही होता है और फिर आगे का रास्ता खुल जाता है। हॉरिस मैजिकल वाटर को लेकर आग में डालने ही वाला था कि वहाँ पिंजरा में कैद हो जाता है।